शहर पिंजौर में सोमवार को रौनक होटल के हॉल में भाजपा शक्ति केंद्र सह प्रमुख केंद्र व सभी मंडलों के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय विधायक लतिका शर्मा को दिल्ली राज्यसभा से कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की खबर मिलते ही सभी उपस्थित लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर विधायक लतिका शर्मा व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, पूर्व मंत्री सरदार लक्ष्मण सिंह की पुत्र वधु रूबी भगत सिंह सहित सभी उपस्थित लोगों का लड्डू बांटकर मुंह मीठा करवाते हुए देश के हित के एक ऐतिहासिक फैसला बताया। आज हमारे सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो 370 धारा जो मल्ले का अभिशाप थी और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया हुआ था कि सरकार के आते ही हम इस धारा को हटाएंगे, आज वो धारा हटाने का राष्ट्रपति से मोहर लग गई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको और हम सब पूरे भारतवासी इस बात के लिए बहुत ही खुश है कि ये इतना बड़ा काम हुआ है कि इसके लिए हम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इतना बहुत बड़ा काम हुआ है उसके लिए। और अभी आज हमारी बैठक हुई है और इस बैठक में 18 अगस्त को जो एक हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकलने जा रही है और उसकी शुरुआत कालका से है, क्योंकि हमारा बिल्कुल उसी दिन से बजेगा चुनाव का। और यहाँ का माँ कालका के मंदिर से आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी वहाँ से पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ से शुरू करेंगे और उसके लिए कालका से शुरू होकर के आगे तक यात्रा जाने का काम रहेगा। तो सभी को इस मीटिंग में हमारे दीपक जी जिलाध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए आज जो हुआ है कि जैसे संख्या जुटाई जाए, अधिक से अधिक संख्या रहे और भव्य स्वागत उल्लास और उत्साह के साथ हो, इसी के लिए आज बैठक का आयोजन। सेंटर से और स्टेट से मिनिस्टर भी आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं? सेंटर से माननीय राजनाथ जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम जी भी यहाँ पर आ रहे हैं।